हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम जी और आपका राम जी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज 10 में यूएसबी ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करें स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ, बहुत ही आसान सा तरीका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे लोगों को जो है, जब भी वो अपना यूएसबी पोर्ट यूज करते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है और जो है यूएसबी आपको शो नहीं होता। जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने माई कंप्यूटर ओपन किया है तो यहाँ पर ये मेरा जो है यूएसबी, एक्चुअली ये एक पेन ड्राइव है तो यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर एरर आता है और उनका जो है यूएसबी, चाहे मोबाइल का हो, मोबाइल कनेक्ट करते हैं अगर अपने लैपटॉप से या पीसी से, तो वहाँ पर भी ये शो नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, एरर आता है। तो आज हम इसका जो है सॉल्यूशन निकालेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है। यदि आप एक USB ड्राइवर अपने विंडो 10 में या विंडो 7 में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा भी होता है कि जब हमारा ड्राइवर पुराना हो जाता है तो भी ये काम नहीं करता। तो हमारे ड्राइवर को पुराने से नया करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने विंडो सर्च में जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे डिवाइस मैनेजर, पहले हम चेक करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ डिवाइस मैनेजर, यहाँ पर इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर आएंगे, जैसे ये खुल जाएगा, यहाँ पर लास्ट सेक्शन में मिलता है यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर। ओके, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूएसबी कंपोजिट डिवाइस आ जाता है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ कमेंट आए थे इसको लेकर, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाया है। जैसे कि कमेंट आया था वो यूएसबी डिवाइस नॉट शोइंग अप, इसके अलावा विंडो 10 में यूएसबी ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करें, इसके अलावा हाउ टू इंस्टॉल ड्राइवर, ये तो इसी का हो गया। विंडो 7 और विंडो 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। यूएसबी कंपोजिट डिवाइस एरर आ रहा था, विंडो 10 मोबाइल यूएसबी कनेक्शन करने में एरर आ रहा था, इसलिए दोस्तों यहां पर मैंने ये जो है वीडियो बनाया है। तो इसके दोस्तों यहां पर क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आपको जाना है गूगल में। यहां पर मैं एक वेबसाइट का नाम दे रहा हूं, इसको मैं अपने लिंक में, मतलब वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मैं डाल दूंगा। वहां से आप जाकर यहां से अपने लिए यहां से ड्राइवर, यूएसबी कंपोजिट डिवाइस ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली इस वेबसाइट पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आप अपने हिसाब से जो ड्राइवर का वजन है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप ये जो ड्राइवर है ये विंडो 10, विंडो 8.1, विंडो 7, विंडो स्टेप, विंडो XP, ये सारा का सारा जो है सपोर्ट करता है। इसके अलावा 64 बिट और 32 बिट के ड्राइवर भी यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक ईजी तरीका बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपको ये जो कंपोजिट डिवाइस है यूएसबी कंपोजिट डिवाइस, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछेगा, हाउ डू यू वांट टू सर्च फॉर ड्राइवर, सर्च ऑटोमेटिकली पर क्लिक करना है। ठीक है, पहले वाले सेक्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ बोल रहा है कि द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो मेरे कंप्यूटर, मेरे लैपटॉप में ये ड्राइवर जो है लेटेस्ट है, अपडेट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है। आपके में अगर ऐसा नहीं लिखेगा, क्योंकि अगर काम नहीं कर रहा है, एरर बता रहा है, तो आपको आपके जो लैपटॉप है उसमें ऐसा नहीं लिखेगा, आप में लिखेगा कि अपडेट नाउ, तो आपको वहाँ पर जो है उसको अपडेट कर देना है। ठीक है, अगर इस तरह से लिखता है तो आपका कोई भी एरर नहीं है, आपके ड्राइवर में कोई एरर नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ से आप जो है ये अपडेट कर सकते हैं ड्राइवर। इसको मैं बंद कर देता हूँ और आपको विंडो 10 में जो ड्राइवर इंस्टॉल करना है उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से वन क्लिक में इसको डाउनलोड करना पड़ेगा ये ड्राइवर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैप्चा हमें यहाँ पर डालना होगा 1688 में, यहाँ डाल देता हूँ, सॉरी 1900 हो गया है, 1688 डालेंगे, फिर इसको डाउनलोड करेंगे तो ये हमारा जो ड्राइवर है यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कहाँ करना है, डाउनलोड बॉक्स में करना है, यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो सबसे पहले इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी ये जो है यहाँ पर डाउनलोड हुआ है, इसको ओपन कर लेते हैं इसको इजीली। ऐसे ओपन करेंगे तो ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर हमारा जो यूएसबी कनेक्शन है वो अच्छे से काम करने लगेगा। ओके, तो कुछ समय लगता है यहाँ पर इंस्टॉलेशन में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो रहा है, कुछ समय लगेगा। देखिए इस तरह से विंडो ओपन होगी, उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है और ये सैमसंग यूएसबी ड्राइवर फॉर मोबाइल फ़ोन के लिए जो है ना वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने विंडो 10 में जो है यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के लिए। और ज़्यादातर ये मोबाइल, अगर आप जो है जब आप मोबाइल को कनेक्ट करेंगे तो ये अच्छे से काम करने लगेगा। इसके अलावा आप चाहें तो अदर डिवाइस ड्राइवर जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपको जो है ज़रूरत है। यहाँ पर काफ़ी सारे ड्राइवर का जो है यहाँ पर डाउनलोड लिंक दिया गया है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे सारे यूएसबी कंपोजिट डिवाइस ड्राइवर हैं, मैं आपको बता दूँ, इसका लिंक मैं जो है आपको दे दूँगा। ठीक है,
दोस्तों आप देखिए यहाँ पर मेरे विंडोज़ में यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। इसको फिनिश पर करें क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है अच्छे से जो है ये इंस्टॉल्ड हो गया मेरे पीसी में। अब ये जब भी हम अपना माय कंप्यूटर ओपन करेंगे, दिस पीसी ओपन करते हैं तो ये जो है अच्छे से जब भी हम अपना मोबाइल कनेक्ट करेंगे तो इजीली जो है ये काम करने लगेगा। यूएसबी ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर यूएसबी सेटिंग आ जाएगी, इसको हमें क्लिक कर लेना है, ठीक है। और जब भी कोई डिवाइस कनेक्ट होगी तो यहाँ पर जो है आपको तुरंत जो है मैसेज मिलेगा। इस जो है इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और आने वाले वीडियो में आप सभी को कुछ और नई चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। तब तक लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए रामजी टेक्निकल चैनल को और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।